मोहब्बत अंधी होती है और कहते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत करो तो पूरी शिद्दत से करो, लेकिन कभी कभार ये मोहब्बत ही इतनी भारी हमारे ऊपर पड़ जाती है जिसका अंदाज़ा हम लोगों को कभी लग नहीं पाता। हम सभी ने किसी ना किसी से मोहब्बत करी है और हम सभी लोग इस अंजाम से वाकिफ हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कपल के बारे में जिनको मिले हुए कुछ 20-22 दिन ही हुए थे, बात शादी तक पहुँच गई, लेकिन अगले कुछ 15 दिनों के अंदर अंदर उन कपल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने अपने डरावने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये कहानी है अवंतिका और रोहन की। अवंतिका एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी और कुछ उसकी उम्र रही होगी यहाँ पे 23-24 साल के आसपास। उधर ही काम करते करते उसको एक लड़का दिखाई दिया जिसका नाम था रोहन। अब रोहन जो था वो स्मार्ट भी था और अपने काम में काफ़ी अच्छा भी था। रोहन कुछ उससे 2-3 साल बड़ा होगा। पहले ऐसी कैजुअल मीटिंग, उसके बाद में कैजुअल से वो लोग दोस्त बने, फिर दोस्त से अच्छे दोस्त, और कब देखते देखते एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, इसका अंदाज़ा दोनों में से किसी को हुआ नहीं। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और उनको मिले हुए यहाँ पे कुछ 20-22 दिन ही हुए थे कि इतने में रोहन ने कहा अवंतिका को कि अवंतिका क्यों ना हम लोग शादी कर लें। अवंतिका ने कहा भाई तुम कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं हो शादी करने के लिए, ठीक है शादी हम लोग कर लेंगे लेकिन फिर भी कुछ वक्त और। रोहन ने कहा कितना जानना है तुम्हें मुझे, तुम सब कुछ मेरे बारे में जानती हो, मेरे परिवार के बारे में जानती हो, मेरी बहन की मौत हो चुकी है, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, सिर्फ मेरी मम्मी है जो गाँव में रहती है और तुम उनसे मिल करके भी तो आई हो, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। अवंतिका ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम शादी के बारे में कह ही रहे हो तो एक बार मेरे घर वालों से बात कर लो। घर वालों से बात करी गई, घर वालों को भी रोहन बहुत पसंद आया, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया गया तो सब कुछ क्लीन, सेम गोज़ टू अवंतिका एज़ वेल। बात जब शादी की आई तो मुहूर्त की डेट यहाँ पे निकलने वाली थी कि इतने में रोहन ने कहा अंकल शादी है ना वो मैं आज से कुछ 13 दिन बाद यानी कि 21 जून को करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा 21 जून को ऐसा क्या है जो तुम 21 जून की बात यहाँ पे कर रहे हो। उन्होंने कहा मैंने मुहूर्त देख लिया था और 21 जून की जो डेट है वो परफेक्ट है। उन लोगों को भी लगा कि अगर ऐसी बात रोहन कर रहा है तो इसमें कोई झूठ तो होगा नहीं। उन्होंने भी इधर उधर की बात नहीं करी और उन्होंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा तुम वैसे करो। 21 जून की डेट जो थी वो फिक्स हो गई थी यहाँ से 13 दिन बाद की। अब जो इधर रोहन और अवंतिका थे काफ़ी ओपन थे अपने रिलेशनशिप को लेके, फैमिली वालों को तो मालूम था ही, तो ये लोग साथ में घूमने फिरने भी जाते थे। इनके बीच में रोमांटिक के साथ साथ यहाँ पे फिजिकल रिलेशन भी डेवलप हो चुका था, तो सब कुछ इनके बीच में हो चुका था। अवंतिका तो उसको एक तरीके से अपना हस्बैंड मान ही बैठी थी कि एक दिन रोहन यहाँ पर अवंतिका को एक सुनसान जगह पर लेकर के गया। जब वो लोग कार में बैठे हुए थे तो उसने पूछा भी अवंतिका ने कि तुम कहाँ लेकर मुझे जा रहे हो, तो उसने कहा एक यहाँ पे मंदिर है और उस मंदिर में अगर तुम माथा टेकोगी ना तो हमारी शादी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। उसने कहा अच्छा, लेकिन इस रास्ते पर आते जाते मैंने तो किसी मंदिर के बारे में सुना नहीं, वो वाकिफ थी उस जगह से। उसने कहा नहीं नहीं वो जंगलों के अंदर है वो मंदिर, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ। मंदिर में वो अवंतिका को लेकर के गया। मंदिर तो वो नहीं था, एक खंडर ज़रूर था और उसके अंदर एक अजीब किस्म की मूर्ति थी। वो मूर्ति किसी जानवर की भी थी, किसी इंसान की भी थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी डेविल को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब आपने अगर मूवीज़ वगैरह में देखा है तो डेविल को अक्सर इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर जो है बकरे का मुँह है और उसके ऊपर सींग वगैरह निकले हुए हैं और बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी है, तो इस तरीके से ही कोई फिगर थी। अवंतिका थोड़ी भोली भाली थी और उसको ज़्यादा बात समझ में आई नहीं। उसने रोहन से पूछा भी कि रोहन ये कौन से ये देवी का मंदिर है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। उसने कहा ये मेरी कुल देवी है और तुम्हें जो है ना इसके सामने माथा टेकना है और जो भी मंत्र मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें रिपीट करने हैं मेरे पीछे, और एक बात याद रखना पीछे मुड़ के मत देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो। अवंतिका ने कहा फिर क्या होगा। रोहन ने कहा फिर वही होगा जैसा कि बालाजी मंदिर में अक्सर तुमने सुना। अगर आप बालाजी मंदिर वगैरह या फिर इन जगहों पर गए हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रसाद को 7 बार सर के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा करके उल्टा फेंकना होता है और कहा जाता है कि उससे आपके जितने भी पाप है वो सब चले जाएंगे। उसने कहा बस यही है, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, शायद तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे, उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोलूँ वो करते रहना। अवंतिका ने कहा ठीक है। मंत्र उसने कुछ बोलना शुरू किया और वो मंत्र जो था पहले तो वो धीरे धीरे बोल रहा था,
फिर वो तेज बोलने लगा और इसी के साथ में आखिरी में वो चिल्लाने लगा। अवंतिका ने भी कुछ इसी तरीके से रिपीट किया। जब मंत्र यहां पे 3 बार उस लड़की ने बोला तो उस लड़की के कानों में किसी औरत की आवाज पड़ी और उस औरत ने उससे कहा, शाबाश, बहुत खूब, बस ऐसे ही करो। उसने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि रोहन ने एकदम से इशारा किया, नहीं पीछे नहीं, मैंने कहा था पीछे नहीं देखना। उसने सामने ही देखा कि इतने में रोहन ने रोली से यहां पर उसके आसपास घेरा बना दिया, 3 मोमबत्ती उसके आगे पीछे रख दी और उसको कहा कि अब तुम इन देवी के सामने ये कहो कि मैं तुम्हें अपने आप को पूरी तरीके से सौंपना चाहती हूँ। अवंतिका इस वक्त पर थोड़े से शक में आ गई थी। उसने कहा, रोहन तुम ये क्या बात कह रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम करो ये, देखो मैं भी तुम्हारे सामने बोल देता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई इसके अंदर दिक्कत है तो मैं बोल देता हूँ। रोहन भी वहाँ बैठा और उसने भी बोला, मैं अपने आप को आपको पूरी तरीके से सौंप देता हूँ। जब अवंतिका ने रोहन को ये करते हुए देखा तो उसने कहा, ठीक है मैं भी ये कर देती हूँ। दरअसल बात कुछ और ही थी। वो जो मंत्र था वो सिर्फ औरतों पे ही काम करता था, आदमियों पे नहीं, ये बात आगे जाके पता लगेगी। अवंतिका ने जब ये बात बोली तो रोहन ने कहा, इसको 2 बार और रिपीट करो। उसने 2 बार और कहा, मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ, पूरी तरह तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ। जैसे ये बात उसने दोनों बार बोली, एक तेज हवा का झोंका आया और 3 मोमबत्ती अचानक से बुझ गई और वहां पर अवंतिका ने लिटरली देखा था कि वो जो मूर्ति है उसके पीछे कोई औरत उसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी आंखें लगातार इधर अवंतिका को घूर रही है। अवंतिका ने कहा, रोहन वहां पे कोई है शायद, कोई यहां पर अजीबो गरीब चीज कर रहा है। रोहन ने कहा, कोई नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, तुम थोड़ी डर गई हो। और एक बात और बता दूं, तुम इसके बारे में अपने घर वालों से जिक्र मत करना, नहीं तो हमारी शादी टूट जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऐसा प्रकोप है जिसके चलते अगर ये बात तुमने अपने घर वालों को बता दी तो मेरी मौत यहाँ से कुछ 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अवंतिका ने बस इतना कहा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। उस रात को जब वो रोहन के साथ वापस अपने घर आ रही थी तब उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और वो पूरे रास्ते यहाँ पर उल्टी करती रही और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा है क्या। उस रात जब वो सो रही थी उसको सोते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शख्स है, आदमी या औरत ये नहीं पता, लेकिन वो उसके कमरे में मौजूद है जो उसको हर जगह से यहाँ पे घूर रहा है। कभी वो सामने देखती तो उसको ऐसा लगता कि वो शख्स उसके पीछे है, पीछे देखती तो आगे, कभी दीवार के उस कोने पर तो कभी दीवार के दूसरे कोने पर। किसी ना किसी की मौजूदगी ज़रूर थी। रोहन ने ये बात भी बोली थी कि अगर तुम घर जाओगी तो तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन के अंदर तुम्हें आदत पड़ जाएगी और सिर्फ 13 दिन की बात है, फिर जब हमारी शादी होगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। उसने कहा, ठीक है। उसको भी लगा कि रोहन ने सारी बातें तो बता ही दी हैं, इसमें झूठ क्या होगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसको दिन में भी ऐसा लगने लगा कि कोई ना कोई उसके कमरे में मौजूद है। जब वो खाना खाती तो उसको ऐसा लगता कि कोई उसके बालों को यहाँ पे छू रहा है, तो कभी एक तेज हवा का झोंका उसके बालों को उड़ा जाता। उसको ऐसा लगता था कि जैसा ये तो फिल्मों में होता है, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ उसको लगता था। रोहन से उसने बात करी, रोहन ने कहा, अच्छा अच्छा तो तुम्हें ऐसा सब फील हो रहा है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम ना मेरे पास आओ, मुझे लगता है कि तुम ना थोड़ी घबरा गई हो उस रात को जब हम उस जगह पर गए थे ना, तुमने बताया तो नहीं ना अपने घर वालों को। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं बताया, वो बस थोड़े से हैरान परेशान से हैं कि अचानक मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। और कभी कभी वो कहते भी हैं कि बेटा रात में तू कुछ बड़बड़ाती है और कुछ उल्टी सीधी जबान में कुछ बोलती है, हमें तो समझ में नहीं आता तू बोल क्या रही है। तो वो कहती भी है कि मैं इधर थोड़ी सी टेंस्ड हूँ मैरिज को लेकर के, बस इसी के चलते। उसने बस इतना कहा कि पापा को थोड़ा सा शक है, बाकी मम्मी और भाई जो हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। रोहन ने कहा, तुम एक काम करो मेरे घर आओ और वहाँ पर बैठ करके हम बात करते हैं। घर पे वो उसके गई तो ऐसी थोड़ी देर उन्होंने बात बात करी, फिर उसने रोहन के साथ यहाँ पे खाना खाया। रोहन उसके लिए पानी लेकर के आया था और जब इधर अवंतिका ने उस पानी को देखा तो वो पानी बिल्कुल काला था, एकदम पिच ब्लैक। अवंतिका ने कहा, ये कौन सा शरबत है जो तुम मुझे पिला रहे हो? उसने कहा, पानी है ये तो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा, मुझे ये पानी काला दिख रहा है।
रोहन ने गिलास को उठाया और उठा करके अवंतिका को दोबारा दिखाया तो गिलास बिल्कुल नॉर्मल था और पानी भी वैसा ही था, कलरलेस जैसा होना चाहिए। अवंतिका को बस यही लग रहा था कि ये उसके मन का वहम है। उसने एक घूंट के अंदर उस पानी को पी लिया और जैसे ही उसने उस पानी को पिया उसको बहुत तेज यहाँ पे खांसी हुई और खांसी होने के साथ में उसने यहाँ पे उल्टी करी और जब उसने उल्टी करी तो इस बार उसके मुंह के अंदर से यहाँ पे कुछ 5-6 बालों के गुच्छे, बाल नहीं, बालों के गुच्छे सही सलामत बाहर निकल गया। इसके बाद में सिर्फ अवंतिका को इतना याद है कि जब उसने रोहन की तरफ देखा था तो अचानक रोहन के साथ में एक औरत उसे खड़ी हुई दिखाई दी थी, वही औरत जो उस मंदिर में भी मौजूद थी। जैसे ही अवंतिका कुछ बोलने वाली थी अचानक से वो औरत जो थी वो उसके ऊपर हावी हो गई, वो बेहोश हो गई। इसके बाद में अवंतिका को कुछ पता नहीं। एक दो दिन ऐसे ही बीत गए, शादी की डेट भी पास आ रही थी यानी कि 21 जून। अब यहाँ पर अवंतिका कहने लगी कि मुझे रोहन के साथ घूमने जाना है। जो रोहन बोलता अवंतिका वही करती। अगर रोहन ये बोल देगा ना कि तुझे यहाँ पर पूरे दिन भूखा रहना है, पूरे दिन प्यासा रहना है, तो वो वही करेगी चाहे वो मर भी क्यों ना जाए। वो पूरी तरीके से रोहन की गुलाम हो गई थी, जैसे कि एक कठपुतली किस तरीके से नाचती है इस तरीके से वो नाच रही थी। अब अवंतिका जो थी वो कोई ऐसी हरकत नहीं करती थी जैसे कोई पोजेस्ट आदमी करता हो। ये नहीं कि उसको दीवारों पे कॉकरोच दिख रहे हो या फिर अचानक से वो चीखने चिल्लाने लगे, नहीं, नॉर्मल वो बिल्कुल थी। लेकिन घर वालों ने एक चीज़ उसके अंदर बहुत अजीब देखी कि जो उसका बिहेवियर था ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। उनको ये लग ही नहीं रहा था कि ये उनकी बेटी अवंतिका है, यानी कि जिस्म तो उस लड़की का लेकिन हरकतें किसी और की। वो अपने बालों को दूसरी साइड से यहाँ पे बहाने लगी, कपड़े वो अलग तरीके के पहनने लगी, परफ्यूम वो अलग तरीके का लगाने लगी, उठने बैठने का, खाने पीने का, हर चीज़ का उसका स्टाइल कम्प्लीटली बदल चुका था। और एक गुस्सा उसकी आंखों में 24 घंटे रहता था। समझ में घर वालों को नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है, एक्सेप्ट हर पापा। उसके पापा को ये लगता था कि ज़रूर रोहन जो है ये कुछ ना कुछ यहाँ पर चाल खेल रहा है और कोई ऐसी दिक्कत इसने कर दी है इस घर के अंदर जिसके चलते शायद अवंतिका ज़्यादा लंबे वक्त तक जिंदा ना रह पाए। क्योंकि उनकी जो बहन थी उनके साथ में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा हुआ था कि वो लड़की जो थी ऐसे पागल होके मर गई थी। काला जादू वगैरह नहीं हुआ था लेकिन उसके सिम्टम्स कुछ कुछ ऐसे मिलते जुलते थे। अब वो किस तरीके से पागल हुई थी ये कम्प्लीटली डिफरेंट बात है, वो पोजेस्ड नहीं थी लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी। खैर, उसके फादर ने भी कई बार रोहन के घर की तलाशी ली लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं या फिर कोई ऐसा रिचुअल नहीं जो उसके घर पे मिला हो, कोई ऐसी फोटो नहीं कि उस पे फोटो पे उसने कोई चक्कू काट रखा हो अवंतिका की फोटो पे, क्योंकि अवंतिका को तो वो जानता भी नहीं था और कोई खानदानी दुश्मनी भी नहीं। अगर कोई काला जादू भी करेगा तो खानदानी दुश्मनी या अपना बदला निकालने के लिए, ऐसी कोई बात थी नहीं। अवंतिका तो अनजान थी आज से 20-22 दिन पहले। एक बार रोहन अवंतिका को कहता है हमें यहाँ पर ना मनाली जाना है और हम लोग 20 तारीख की रात को वापस आ जाएंगे, यानी कि 21 तारीख को जब शादी है यानी कि 12 बजे जब 21 का दिन शुरू हो जाएगा तब हम लोग वहाँ से निकल पड़ेंगे। अवंतिका के पेरेंट्स ने उसको खूब रोकने की कोशिश करी कि शादी से एक दिन पहले घूमने कौन जाता है, तुम शादी के बाद जाओ, लेकिन वो कठपुतली थी, वो थी गुलाम, वो मानने को तैयार नहीं थी, वो निकल पड़ी। अवंतिका के पापा को इधर पूरा शक था और वो भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को जब फॉलो किया तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि रोहन और अवंतिका का जो कमरा है उसमें हर वक्त लाइट जली रहती है एक्सेप्ट 9:15 to 9:30, ये जो रात का वक्त है सिर्फ 15 मिनट के लिए लाइट बंद होती है, बाकी लाइट पूरी रात भर जलती रहेगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि इस 15 मिनट के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रोहन करता है जिसके चलते उनकी लड़की कम्प्लीटली पोजेस्ड चल रही है। 20 की रात को उन लोगों को वापस आना था। 20 की रात में ही यहाँ पर कुछ 9:10 पे अवंतिका के पापा जो थे वो उसके कमरे के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर 9:15 पे वो होटल के मैनेजर वगैरह से बात बात करके डुप्लीकेट की से जब इधर रूम को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि रोहन के हाथ में एक बकरा काटने का बहुत बड़ा छुरा है और यहाँ पर जो अवंतिका है उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और वो घुटनों के बल बैठी है, उसकी गर्दन नीचे है और देख करके ऐसा लग रहा है कि रोहन उसकी बलि देने जा रहा है। अवंतिका के बाल पूरे खुले हुए थे, उसको कोई होश नहीं था।
जैसे ही उन लोगों ने यहाँ पर रोहन को रोका और अवंतिका को यहाँ पे पकड़ा, तो उन्होंने जैसे ही अवंतिका का मुंह उठाया, उस लड़की को होशो आवाज था ही नहीं, आंखें उसकी खुली हुई थी, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो एक जिंदा लाश हो। यहाँ पर जब रोहन को पकड़ा गया, तब जाकर के ये चीज मालूम हुई कि ये लड़का एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और उस रिचुअल के चलते यहाँ पर ये अपनी मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता था। इसका ऐसा मानना था, इसके किसी गुरुजी वगैरह ने इसको ये बात बताई थी, और इसकी बहन जो थी वो 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में ही मरी थी 20 जून को, और उसी वक्त पर अगर ये रिचुअल करता और किसी ऐसी लड़की की बलि देता जो वर्जिन हो और जिसने कभी पहले किसी से प्यार ना किया हो, तो इसकी बलि सक्सेसफुल हो जाती। अब ये कोई काला जादू वगैरह नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं होती, इसका जो भी तरीका था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल होता जा रहा था। इसके गुरुजी ने इसको ये बात बताई थी कि वो लड़की शुरुआत में ये ट्रेड्स शो करना शुरू कर देगी कि उसके अंदर जो है तेरी बहन की आत्मा आ चुकी है, जिसकी शुरुआत उस मंदिर से ही होगी। अगर वो ये बात बोलेगी कि मैं अपने आप को तुम्हें पूरी तरीके से सौंपती हूँ, 3 बार ये बात बोलेगी, तो जो तेरी बहन है उसकी रूह उसको महसूस हो सकती है या दिखाई दे सकती है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो आपको याद होगा उस लड़की के साथ दोनों चीज़ें हुई थी, जहाँ पर उसको शाबाश की आवाज़ भी आई थी और उसको ऐसा भी लगा था कि कोई उस मूर्ति के पीछे से उसको देख रहा है। फिर उस आदमी ने उसको ये बात बोली थी कि दिन प्रतिदिन इसकी हालत यहाँ पे बिगड़ती जाएगी और इसको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई शख्स इसके आसपास मौजूद है, जो हो भी रहा था। आखिरी में तुझे सिर्फ एक काम करना है, जब ये लड़की तेरे पास में आए तो इसको पानी में अपनी बहन के सर के बाल घोल करके पिला देने हैं। अब जब उसकी बहन का अंतिम संस्कार हुआ होगा तो उसने उन बालों को यहाँ पे रख लिया होगा, 3-4 बाल थे। और आपको याद होगा जब यहाँ पे अवंतिका रोहन के घर पे आई थी तो उसको वो पानी जो था वो कम्प्लीटली पिच ब्लैक दिखाई दिया था, और जब उसने पिया था तो उसके मुँह से यहाँ पे बालों के गुच्छे भी निकले थे। उस आदमी ने रोहन को यही बात बोली थी कि जब ये उस पानी को पी लेगी तब ये कम्प्लीटली पोजेस्ड हो जाएगी, और 20 जून की रात 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में अगर तू इसकी बलि दे देगा तो तेरी बहन जो है वो तुझे साक्षात दिखने लग जाएगी। तो आपको याद होगा कि सिर्फ अवंतिका को ही उसकी बहन दिखाई देती थी, कभी रोहन को आज तक वो दिखाई नहीं दी, जबकि वो अवंतिका और रोहन के आसपास ही रहती थी। रोहन ने अपनी जिद के चलते अपनी बहन को भी मुक्त नहीं होने दिया था, उसकी बहन यहाँ पे नॉर्मल ही थी, लेकिन उसने तंत्र मंत्रों से उसकी आत्मा को बांध रखा था। और जैसा मैं हमेशा स्टोरीज में बताता आया हूँ कि जब भी कोई आत्मा यहाँ पे मुक्त नहीं होती, बहुत चांसेस होते हैं कि कोई तांत्रिक या कोई अघोरी उनको अपना गुलाम बना ले। उसने ज़बरदस्ती ऐसा करवाया क्योंकि वो अपनी बहन को यहाँ पे साक्षात देखना चाहता था, और इसके लिए उसको एक वर्जिन लड़की की ही ज़रूरत थी जिसने कभी किसी से मोहब्बत ना करी हो। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था ये तो रोहन को आज तक नहीं पता। उसका जो तांत्रिक वगैरह था ये कोई केरला वगैरह में रहता था, और उसके बाद में वो कहाँ चला गया उसका तो पता नहीं लगा, लेकिन रोहन यहाँ पे रंगे हाथ पकड़ा गया था। रोहन को यहाँ पे पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन वो लड़की अभी भी ठीक नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़की ठीक हो गई, रिचुअल तो कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की तो अभी भी पोजेस्ड थी। उसके बाद में उसको एक आश्रम में यहाँ पे लेकर के गए और कुछ 7 दिन तक उसका इलाज वगैरह चला, और फाइनली उस लड़की के ऊपर से उस दूसरी लड़की का यानी कि रोहन की बहन का जो प्रकोप था वो कम्प्लीटली गया, और तब जा कर के उस लड़की को यहाँ पे मुक्ति दिलाई गई जो उसकी आत्मा यहाँ पे डिजर्व करती थी। रोहन अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था, इसी के चलते उसने इन सारे रिचुअल्स को अंजाम दिया। आज भी रोहन जो है वो इधर हवालात में ही है, लेकिन अब जाकर के अवंतिका कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। 7 दिन ही लगे थे उसको, 7 दिन के अंदर वो ठीक हो गई थी, और उसको इसके बीच में कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ जब उसने खाना खाया था उसके बाद में क्या हुआ। बस उसको इतना मालूम है कि कभी कभी उसको फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा होता था, उसके जिस्म पे यहाँ पे जले हुए के मार्क्स भी थे, सिगरेट से जलाए हुए के मार्क्स वगैरह भी थे। वो लोग उस मंदिर में भी गए जिस मंदिर की या जिस खंडर की लोकेशन यहाँ पर रोहन को पता थी, उस जगह पर वो गए और उन्होंने सचमुच देखा कि वो कोई मंदिर नहीं था, वो खंडर ही था, और वो जो मूर्ति वगैरह थी वो यहाँ पे सचमुच एक डेविल की ही मूर्ति थी। वो जो पंडित था जिसका वो आश्रम था, जिसने यहाँ पे अवंतिका का इलाज किया था, उसने कहा था ये साक्षात यहाँ पे शैतान की पूजा कर रहा था, और इसने इस लड़की की जो आत्मा थी उसका सौदा शैतान से कर दिया था। अगर इस लड़की की बलि चढ़ जाती ना तो
तो इसकी आत्मा का क्या हश्र होता, वो कोई भी नहीं जानता, सचमुच कोई नहीं जानता। वो लड़का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल करने वाला था। खैर वो बात तो अच्छी है कि यहाँ पे अवंतिका के फादर को कोई ना कोई शक था, जिसके चलते वो लड़का रंगे हाथ पकड़ा गया, नहीं तो यहाँ पर उनकी लड़की तो जान से जाती जाती और उसके बाद में शायद उसको कभी मुक्ति भी नहीं मिल पाती। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।